उदयपुर के इस घाट पे 4 साल के बाद वापस आके ऐसा लगा जैसे जिंदगी ने फिर से जीना सीख लिया। और तभी अमित त्रिवेदी का गाना कहीं पीछे से सुनाई पड़ा, कब्र पर मेरे सर उठा के खड़ी हो जिंदगी, ऐसे मरना है मुझे। डियर डायरी, हैप्पी बर्थडे टू अस। कितने साल के हुए वो पूछने की जगह पे कितने साल का जिया वो पूछे, और अगर ना जिया हो तो जीना शुरू करे। इस फिलॉसफी में मानने वाले मैं और तुम कभी कभार जिंदगी की भगदौड़ में इतना गुम हो जाते हैं कि जीना भूले थे कहाँ याद नहीं, फिर खुद को पाया बाद में सांस आई वही। तुम्हें पता है ना कि आई डोंट लाइक माई बर्थडेज। वेल, देयर इज अ गुड न्यूज, अब से पसंद आने लगे हैं और उन्हें अप्रिशिएट करना भी शुरू कर दिया है। अब खुद ही का बर्थडे पसंद क्यों नहीं आता, उसका कारण बहुत सिंपल है यार। देखो, एक ही दिन में इतना सारा प्यार कुछ हजम नहीं होता यार, और उसके बाद मैं कहूँ तो कहूँ क्या, ऐसा लगता है कि मैं ये डिजर्व करता भी हूँ या नहीं। आई नो बचकाना है, पर है तो सही। पर उसी बात को जब मैंने अलग नजरिए से देखा ना, तो पूरी कहानी पलट गई। सोचो कि पूरे साल आपको छोटी बड़ी मात्रा में अलग अलग लोगों से प्यार या फिर प्यार के अलग अलग अवतार मिलते रहते हैं, जो कहीं ना कहीं हम जैसों के लिए वन ऑफ द सोल फूड्स होते हैं। पर जब एक ही दिन में कोई तुम्हारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाल के सोचे, लिखे और बयां करे कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तो उससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है ना। अब दूसरी बात, हम में से कितने सारे लोग ये सभी बातें सुनने को तरस जाते हैं और देखते ही देखते इस दुनिया से विदा भी हो जाते हैं। फिर जब वो नहीं रहते तब जाके उनके बारे में यही सब अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, है ना। पर यहाँ जिंदा रहते रहते खुद को #alive हूँ वैसा महसूस करते करते इतनी सारी बातें सुनने को और देखने को मिलती है, और वो भी उन लोगों से कि जो बाकी के 364 दिन शायद सिर्फ लोग ही थे, अपने नहीं थे, पर एक ही दिन में ये सारी बातें कह के उन्होंने तुम्हें अपना बना लिया। Isn't that amazing? ये सब पाठ मैंने सीखे तब जब उसी घाट पे बैठे बैठे मैंने सोचा कि पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन से लोगों ने क्या क्या सोचा है मेरे बारे में। मैं उनकी जिंदगी का काफी अहम हिस्सा हूँ, उस बात का एहसास कराया उन लोगों ने। सिर्फ एक नहीं, बहुतों की जिंदगी में जिंदा हूँ उस बात का तकाजा भी दिलाया उन लोगों ने, बस वही काफी है। सो डियर डायरी, हैप्पी बर्थडे टू अस। आने वाले वक्त में मैं और तुम जब आईने के सामने खड़े रह के मुस्कुराएंगे, और उतने में अगर वक्त पत्थर मार के हमारी उस मुस्कान वाले आईने को तोड़ने का ट्राई करे, तो करने देना। क्योंकि उसका दूसरा पहलू ये भी है कि जब तक वक्त के पत्थर से हम चूर चूर नहीं हुए थे, तब तक सिर्फ हम एक ही थे, पर जब टूट के बिखर गए तो एक से अनेक हो गए। बस यही सोच कायम रहे, वैसे विशेष हैप्पी बर्थडे टू अस। और आखिर में उसी गाने से इस डायरी के पन्ने का अंत करूंगा जिस गाने से शुरुआत की थी, बस एक छोटे से करेक्शन के साथ। कब्र पर मेरे सर उठा के खड़ी हो जिंदगी, ऐसे जीना है मुझे, जिंदा हूँ यार काफी है।